आजकल क्यूबी के क्रेडिट चाहिए का क्या मतलब होता है समझते हो ना? जी सर। क्या मतलब होता है सर? जो अकेडमिक प्रैक्टिकल का इतना क्रेडिट है, थ्योरी का इतना क्रेडिट है, मतलब थ्योरी में फेल है तो उसको प्रैक्टिकल का क्रेडिट दिया जाता है, जो कि ये इस बार नहीं दे रहे हैं, जो कि गलत है। पिछली बार आप दे रहे हो बच्चों को, वो एडमिशन्स ले रहे हैं, वो बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं, आज हम घर पे हैं, हमारा फ्यूचर ये वेस्ट कर रहे हैं। हम कितने बार पूरे 2 महीने 14 दिन हो गया, तो हमें हर बार यही बोलती है कि हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे आपके, पर ये नोटिफिकेशन नहीं निकालते। अभी इनको बोल रहे हैं NEP, हमें इन्होंने जब हमने एडमिशन ली थी फर्स्ट सेमेस्टर में, इन्होंने हमें नहीं बताया था। एडमिशन क्या होता है सर? कई सेशन ये हो गया सर, जो आपने क्रेडिट किसको कहते हैं बताओ सर? कई हो गए, जैसे हमारे जो कई था, क्रेडिट किसको कहते हैं सर? जो स्कोर जिसे हम वो कर सके आपने, मतलब आगे क्रेडिट किसको कहते हैं? तो क्रेडिट हम देंगे या क्रेडिट कॉलेज देगा सर? यूनिवर्सिटी ही देगी ना। यूनिवर्सिटी क्रेडिट नहीं देती है, क्रेडिट एक यूनिवर्सिटी करिकुलम बनाती है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का रूल रेगुलेशन बनाती है। जब फर्स्ट सेम में हम बच्चे फेल हुए थे, 90% कॉलेज। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर इस समय तमाम स्टूडेंट जो हैं यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और तमाम तस्वीरें जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से इस समय जो है वाइस चांसलर के बिल्कुल ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आपके साथ अदा कर रहा हूं। देख सकते हैं किस तरीके से जमकर हंगामा जो हो रहा है। चलिए बातचीत भी करेंगे, जाने का प्रयास भी करेंगे आखिर क्या स्टूडेंटों का क्या मुद्दा है जिसको लेकर ये हंगामा यहाँ पर चल रहा है। दरवाजा भी धक्का दे के खोल के अंदर भाग गए हैं ये बच्चे, हमारी सिक्योरिटी अंदर नहीं जाने देती। किसने मारा है? किसने मारा है इनको? किसने मारा है? किसने मारा है? आप भी एक मिनट ना, अकेला धक्का मतलब How could you dare जो है to push him? सर, I have no push. नहीं सर, मैंने कोई कुछ नहीं किया, इनको पूछ सकते हो सर आप, अगर इनके इधर सारे बच्चे अगर एक भी पूछा जाए। देखो एक बात बता दें जी सर, ये आप जितना नारेबाजी करना हो that's your right, मैं एक बार नहीं कहूंगा कि आप नारेबाजी मत करो, लेकिन किसी स्टाफ के साथ आप जो है धक्का दो हाथ इन्होंने अभी बोला आपको मारने की, इसने मेरे को हाथ आया मारने के लिए, अभी इन्होंने ये मुद्दा बनाया, हमने को धक्का दिया, इस गेट को धक्का दे के अंदर निकले। मैम उस दिन के अंदर नहीं जा सकते मैम, इस दिन अकेले थे मैम, बेटा अंदर नहीं जाने देती मैम, ये अकेले थे यहाँ पे, आप बुला दो पुलिस को। अच्छा आप अपनी प्रॉब्लम बता दो, हम बताओ इशू बताओ। इशू सर ये है कि हमें प्रैक्टिकल थ्योरी क्रेडिट चाहिए, प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल थ्योरी क्रेडिट चाहिए जिससे हम एप्लीकेशन, मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी के क्रेडिट चाहिए का क्या मतलब होता है समझते हो ना? जी सर। क्या मतलब होता है सर? जो अकेडमिक प्रैक्टिकल का इतना क्रेडिट है, थ्योरी का इतना क्रेडिट है, उसका अपना प्रैक्टिकल का अपना एग्जाम होता है, थ्योरी का अपना एग्जाम होता है, अब आपको क्या चाहिए सर? हमें उन्हीं के क्रेडिट चाहिए जिससे हमारे जो क्रेडिट्स बने। क्रेडिट का डेफिनेशन क्या होता है सर? क्रेडिट का डेफिनेशन ये हो गया सर, जो आपने क्रेडिट किसको कहते हैं बताओ सर? क्रेडिट हो गए, जैसे हमारे जो क्रेडिट, आप क्रेडिट किसको कहते हैं सर? जो स्कोर जिसे हम वो कर सके आपने, मतलब आगे क्रेडिट किसको कहते हैं सर? नहीं पता। तो जब क्रेडिट आप डिमांड कर रहे हो वो चीज तो हमें कैसे पताओगे सर? नहीं, आप क्रेडिट जो है किसको कहते हैं यही आप कह रहे हो, क्रेडिट चाहिए जी सर, क्रेडिट किसको कहते हैं ये बता दो ना पहले। क्रेडिट सर जो आपने सिस्टम बनाया है उसी में क्रेडिट सिस्टम है जो है वो आपको पता है, चॉइस बेस्ड सिस्टम सर, क्रेडिट सिस्टम है चॉइस बेस्ड सिस्टम। अरे पहले आपकी डिमांड है ना क्रेडिट चाहिए सर, हम मैं पूछ रहा हूँ क्रेडिट किसको कहते हैं ये बताओ। जो सर प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकल थ्योरी का जो 3+1 स्कोर है ना, क्रेडिट का पहले डेफिनेशन समझ लो, 15 आवर का जो टीचिंग या प्रैक्टिकल होता है उसका मिला करके एक क्रेडिट होता है, ऐसे क्रेडिट कैलकुलेट होता है राइट। अब क्रेडिट चाहिए का हम समझ नहीं पा रहे, क्रेडिट चाहिए क्या के? अरे जिन बच्चों के 9 क्रेडिट्स है ना उनको एक एक क्रेडिट चाहिए आगे की एप्लीकेशन एडमिशन लेने के लिए। तो क्रेडिट हम देंगे या क्रेडिट कॉलेज देगा सर? यूनिवर्सिटी ही देगी ना। यूनिवर्सिटी क्रेडिट नहीं देती है, क्रेडिट एक यूनिवर्सिटी करिकुलम बना दी, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का रूल रेगुलेशन बना दी। जब फर्स्ट सेम में हम बच्चे फेल हुए थे, 90% कॉलेज, 90% जो कॉलेजेस थे उनमें बच्चे घर बैठ चुके थे, तब भी आपने नोटिफिकेशन निकाला था, ये वाला नोटिफिकेशन आपने निकाला जिसमें हमें 50% किया गया फर्स्ट सेम में, जिससे और इंटरनल 75% किया गया। मैं बताता हूँ सर आपको, आप ही का नोटिफिकेशन सर, किया क्या गया ये तो बताओ सर। ऐसे गुमराह करने से गुमराह नहीं होगी, हम आपको पूरी बात करते हैं, अब जो करना है कर लेना, कल पुलिस गुमराह मत हो ठीक है। देख रहे हो ये ऐसे करते हैं बच्चों के साथ, मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कह रहे हो तो गुमराह नहीं होंगे, तुमको हम गुमराह कर रहे हैं, खड़ा होकर के यहाँ भाई सांसद तुमसे बात कर रहा है, गुमराह कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ? कल सॉरी सर, एक चांस दी, एक चांस दी, व्हाट डू यू थिंक?
इस पूरे मास के बाद भी मैं खड़ा हूँ यहाँ ना, समझ के आओ आप चाहते क्या हो। मैं पूछ रहा हूँ क्रेडिट किसको कहते हैं, क्या चाहते हो बता ही नहीं साफ रहे हो। देन यू से दैट कि मैं गुमराह कर रहा हूँ, अरे मैं तो कुछ बोला ही नहीं तुमको, गुमराह किस बात का कर रहा हूँ। दूसरी चीज कि ऑलरेडी डीन एकेडमी के अफेयर्स के ऑफिस में आप लोग मिले थे, डीन एकेडमी के अफेयर्स ने ऑलरेडी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और डायरेक्टर कॉलेजेस को कन्वे किया, देयर आफ्टर एक लेटर जो है हर कॉलेज को भेज दिया गया है, आप केस टू केस बेसिस अपना रिकमेंडेशन भेजिए। सर तो यू हैव कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल कंसर्न। सर जो हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं वो फिल हो रहे हैं सर कॉलेज में, अगर वो फिल हो गए उसके बाद हमें एडमिशन नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल से कांटेक्ट करो ना अपना, तुम्हारे केस टू केस बेसिस रेफर करो। उन्होंने लास्ट डेट बोली है 30 तारीख को सर एग्जामिनेशन फॉर्म की। अरे तो लास्ट डेट पहले एग्जामिनेशन फॉर्म बाद में, पहले तुम अपने केस को लेकर प्रिंसिपल से मिलोगे। सर उनने मेल की थी ना नोटिफिकेशन को, सब मेल की करके बताया था उनको, हमें मैम ने बोला था डीन मैम ने कि नहीं समझ पा रहा है बेटा, तुम लोग बात नहीं समझ रहे हो। तुम्हें जो करना है अपना रिप्रेजेंटेशन अपने कॉलेज में दोगे, कॉलेज प्रिंसिपल अपनी नोटिंग लगा करके वो यूनिवर्सिटी को भेजेगा, तब तो यूनिवर्सिटी कंसिडर करेगी। सर यूनिवर्सिटी ने नोटिस डाला हुआ है, जब सचिन का प्राइवेट रिजल्ट आएगा तो फिर से रीओपन होगा। क्या होगा सचिन का प्राइवेट रिजल्ट आएगा तो प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट सर जब रिजल्ट आएगा तो फिर से एडमिशन होगी। क्या सर जब वो फॉर्म ही फिल हो जाएंगे तो हमारी एडमिशन सीधे ही बंद हो जाएगी, जब फिर उसके बाद एडमिशन ओपन करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब आप अच्छा ये रह क्यों गए तुम्हारे? अच्छा तो मतलब अच्छा ये आप लोग का फेल हो गए हो उसको प्राइवेट कहते हैं? छोड़ो हम टाइम यहाँ पे आ रहे हैं सर, डीन मैम से मिले, डीन मैम ने बोला अब तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा सर, जब दोबारा आते हैं वो बोलते हैं हम आपको जानते ही नहीं। हर बार ये होता है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए फिर स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है, ये कर रहे हैं वही आप स्पेशल प्रोविजन बनाने की बात कर रहे हो कि आपके लिए कोई नियम में परिवर्तन किया जाए, नियम में ढील दिया जाए। ठीक बात सर, क्या फर्स्ट का प्राइवेट रिजल्ट है सर? अरे मतलब कौन एक कर्म ऐसा करते हो कि ये नौबत ही ना आए? सर जब फर्स्ट रिजल्ट आया था नहीं बिका, हम लोग 50 में भी नहीं आ रहे हैं, हम 50 से भी नीचे जाते हैं, सच्चाई यही है ना तुम लोगों की। ऑलरेडी डा मैडम ने क्रेडिट 50% कर दिए, आप लोग उसमें नहीं आ रहे हो, आप चाहते हो 50 से भी नीचे हो जाए ताकि हम लोग भी आ जाए। आप 8 क्रेडिट मांगते हो, कल को 5 वाला भी आ जाएगा। मैम हम तो प्रैक्टिकल मांग रहे हैं ना, प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल की क्रेडिट। अच्छा मैं क्रेडिट का पहले आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल 15 घंटा बराबर 1 क्रेडिट हुआ, ठीक है? तो 15 घंटा आपने प्रैक्टिकल किया उसकी 1 क्रेडिट बनती है। जी सर। ठीक जी। अब क्रेडिट ये देने का काम तो कॉलेज का है जहाँ पर आप पढ़ते हो। सर हम वही बोल रहे हैं, वही यूनिवर्सिटी से भी हमें नोटिस नहीं आया, जो हम यूनिवर्सिटी से नोटिस आया तो हम दे देंगे सर। एक्चुअली मैंने पहले फॉर्म भरा हुआ था, मेरा एक सर था दूसरी वाला, उन्होंने मेरा फॉर्म खुद भरा। क्या नोटिस आएगा सर अगर यूनिवर्सिटी वाले उनको नोटिस भेजेंगे कि आप प्रैक्टिकल थ्योरी की क्रेडिट कंसीडर वो करो, ज्वाइन कर लो इनमें, तो हमें एडमिशन मिल जाएगी सर, 2500 बच्चों को एडमिशन मिल जाएगी। वैसे प्रैक्टिकल और थ्योरी की क्रेडिट काउंट करवाएंगे ना, अगर आप नोटिस निकाल के कॉलेज वालों को लेके काउंट करो। मैं आज तक जो पढ़ा हूँ मतलब जो पढ़ा जी सर, एक पेपर हुआ कोर्स हुआ, उस कोर्स का एक नंबर होता है, उसमें उस कोर्स नंबर में थ्योरी और प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी मिला करके एक हुआ, प्रैक्टिकल अलग हो गया। आई एम सपोज टू क्लियर दी कोई बात नहीं आई एम सपोज टू क्लियर द प्रैक्टिकल एज वेल एज द थ्योरी सेपरेटली, राइट? तब मैं पास माना जाऊंगा, राइट? अगर मैं थ्योरी में फेल हो गया तब भी फेल हो जाऊंगा, प्रैक्टिकल में फेल हो गया तब भी फेल हो जाऊंगा, यही नियम है। अब तुम क्या चाहते हो ये बताओ। क्रेडिट वाली बात का नियम था
जो फर्स्ट रिजल्ट आया था तो उनको थर्ड में क्यों दीजिए जो उनके आठ से अलग थे। प्रमोशन होता है सर, हमें चाहिए ना, हमें चाहिए बिना पढ़े हुए बिना पास किए उनको दीजिए, तो हमें भी चांस देना चाहिए ना। केस टू केस बेसिस पर कह दिया गया है प्रिंसिपल को कि आप अपना केस टू केस बेसिस भेजिए, रिकमेंड दो, सब छोड़ दो। जब लास्ट टाइम दो महीने से जहाँ पे आ रहे हैं तुमको एक चीज जो है, आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन जो है मोर देन दिस, आई एम सेइंग दैट द होल थिंग हैज बीन रेफर्ड टू द प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल इज आस्क्ड टू सेंड द रिकमेंडेशन केस टू केस बेसिस। सर उस राइट सर उस चीज को उस मैं आज या इधर तीन चार दिन में दो दिन में तीन दिन में गया लेटर जो है सर उस चीज में लगभग दो हफ्ते तो लग ही जाएंगे सर। क्यों दो हफ्ते लग जाएंगे, जो आप यहाँ खड़े हो जाकर वहाँ खड़े होना कि अभी एक घंटा में हमको दो रिकमेंडेशन। सर फिर डीन मैम ने बोला था कि आप नोटिफिकेशन आप में जाओ ना उनसे कहो कि एक घंटा में दे। एक मिनट सर, एक मिनट बात सर, डीन मैम ने हमें बोला था कि आप अपने कॉलेज से नोटिफिकेशन को डाटा सेंड कराओ कितने बच्चे रहते हैं। हमने उनको डाटा सेंड करवाया, सर ने इनको जम्मू यूनिवर्सिटी को रेफर भी किया सारा डाटा कि कितने बच्चे कितने रहते हैं, जो सर आपने कल नोटिफिकेशन डाला है ना उसी बेस पे सर ने भी उनको पहले ही डाटा भेज दिया था, बट मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर ने उनको मेल भी की थी कि इनको सेपरेटली सर पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ था कि इनको सेपरेटली प्रैक्टिकल थ्योरी क्रेडिट दिए जाए। और उस डिसीजन से वाइस चांसलर पहले बताया है ना डाने, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ एज वाइस चांसलर आई डू नॉट एग्री विद द डिसीजन दैट थ्योरी में फेल हो गया तब भी पास, प्रैक्टिकल में फेल हो गया तब भी पास, दोनों को दो कोर्स के आपका डिमांड था कि प्रैक्टिकल को अलग और थ्योरी को अलग दो कोर्स मान लिया जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। देखो जैसे कि पिछली बार इन्होंने प्रैक्टिकल के नंबर हमें थ्योरी के नंबर दिए, जैसे हमारे 25 जो होते हैं वो प्रैक्टिकल और थ्योरी के नंबर होते हैं इंटरनल के, और जो 75 होता है वो एक्सटर्नल के। तो ये हमें प्रैक्टिकल, जैसे हमारा मेजर के 4 क्रेडिट है, माइनर के 4 क्रेडिट है, स्किल के 2 क्रेडिट है। तो जैसे किसी का भी लगा लो मेजर या माइनर कोई फेल हो गया तो उसे मतलब 6 क्रेडिट बन रहे हैं, किसी के 8, चलो 6 वाले की हम बात ही नहीं करते, हम 8 वालों की जिसके 2 क्रेडिट, वो 2 क्रेडिट के पीछे उसका पूरा साल वेस्ट हो रहा है। हम जो बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनका पूरा फ्यूचर इसी पर टिका हुआ है। अगर किसी बच्चे की मेजर फेल है तो मेजर के 4 क्रेडिट है तो 3 है थ्योरी के, 1 प्रैक्टिकल का क्रेडिट है, और अगर बच्चा मतलब थ्योरी में फेल है तो उसको प्रैक्टिकल का क्रेडिट दिया जाता है, जो कि ये इस बार नहीं दे रहे हैं, जो कि गलत है। पिछली बार आप दे रहे हो बच्चों को, वो एडमिशन्स ले रहे हैं, वो बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं, आज हम घर पे हैं, हमारा फ्यूचर ये वेस्ट कर रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या अफेक्ट होगा, हमारे पेरेंट्स क्या हमारे लिए सोचे। हम ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही कुछ भी नहीं लिख के आते, ऐसा भी तो नहीं है, पढ़ते हैं हम भी। आपसे जानना चाहूंगा वाइस चांसलर भी यहाँ पर आए हैं, आपने बातचीत करने की कोशिश की? बड़ी बात, हमारे जो सीनियर हैं वो कर रहे हैं बात, और हमें एटलीस्ट यहाँ पे 2 मंथ हो गया है घूमते हुए, और हमें यूनिवर्सिटी सिर्फ घुमा रही है, सिर्फ घुमा रही। रोज हमें ये बोला जाता है कि बच्चे आप घर जाइए, हम आपके लिए नोटिफिकेशन मंडे को निकाल देंगे, हर मंडे। हमें इतने दिन हो गए, कुछ जो मतलब बच्चे हैं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ बच्चे बहुत दूर से भी आते हैं वो नहीं भी आ सकते हैं, इनको हमारी भी मजबूरी समझनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए बनाई है। आप बच्चों के हित में नहीं बोलोगे तो बच्चे क्या ही करेंगे, घर बैठेंगे, हम बेरोजगार हो जाएं। हमारे पेरेंट्स ने भी तो हमारे लिए कुछ सोचा है, तो आगे इनका भी फर्ज बनता है कि ये हमारे लिए कुछ निकाले, सपोर्ट करें हमें, पर ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। थैंक यू। आपसे जानना चाहूंगा कि अभी वाइस चांसलर से बातचीत हुई है, क्या आपको लगता है कि आपका मसला जो है? जी हमें हम इनसे मतलब आशा ही कर सकते हैं अभी कि ये हमारे हित में फैसला निकाल दें, तो हम इनके बहुत आभारी रहेंगे। तो अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ठीक है, ये यूनिवर्सिटी हम बच्चों के लिए बनी हुई है, अगर ये यूनिवर्सिटी हमारे हित में फैसला ही नहीं निकालती तो हमारा क्या फ़ायदा फिर? ये यहाँ तो ये NEP जो मतलब NEP पॉलिसी है, ये न्यू पॉलिसी आई हुई है, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो अभी हम इनसे यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें जो नोटिफिकेशन है वो निकाल के दे दे, हम इनके बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू। आप जाना चाहोगे, आप क्या कहेंगे इसमें? कि हम कितने बार, पूरे 2 महीने 14 दिन हो गया, तो हमें हर बार यही बोलती हैं कि हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे आपके, पर ये नोटिफिकेशन नहीं निकालते। अभी इनको पूरे NEP हमें, इन्होंने जब हमने एडमिशन ली थी फर्स्ट सेमेस्टर में, इन्होंने हमें नहीं बताया था, अब ये बोलते हैं अभी हमें भी नहीं पता कि NPR क्या होते, जो आपको नहीं पता फिर हमने ये रूल निकाला क्यों? तो हमें, हमारी इनसे यही विनती है कि ये हमें क्रेडिट दे दें। बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, कोई बनिहाल से, कोई उधमपुर से, कोई डोडा से, कोई किश्तवाड़ से, कोई पलोड़ा से, कोई पलवा से, तो हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे हिंद में फैसला निकाल दें। अगर ये चीज़ नहीं करते हैं तो हमने जो अपनी बुक साथ में लाई हुई है यहाँ पे, उनका मातम सुहागत के जाएंगे।
आज जाएंगे आप अगर आपका मसला हल हो जाएगा फिर जाएंगे नहीं तो क्या अगर मसला हल हुआ फिर जाएंगे नहीं तो क्या फायदा हमारा जाने का। डेली नहीं भेजते हैं घर से पेरेंट्स भी, तो किसी की कोई मजबूरी होती है, किसी की घर वालों की कोई मजबूरी होती है डेली अप डाउन करना, मतलब इतनी गर्मी में खुद ये एसीओ के अंदर बैठ के हवा खाते हैं। यहाँ तो ये क्लियर कर देते हैं ना कि बच्चे नोटिफिकेशन नहीं निकले, ये बच्चों को टाइम देते हैं फिर निकालेंगे निकालेंगे निकालते हैं। हमें हम बस इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे निकाल के क्रेडिट दे दें बस। तो आपको बता चलूँ कि वाइस चांसलर के बिल्कुल ऑफिस के बाहर इस समय मैं मौजूद हूँ, ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर देख सकते हैं, वाइस चांसलर खुद यहाँ पर आए हैं और बच्चों से बातचीत भी हुई है और बच्चे साफ तौर से यही गुहार लगा रहे हैं कि उनका मसला है वो हल हो जाए, नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी जाए। कब तक और कहाँ कहाँ से बच्चे जो है वो इतनी दूर दूर से बच्चे जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और अगर उनके साथ इस तरीके से होगा इंसाफ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी होगी और जब बच्चों को परेशानी होगी तो बच्चे साफ तौर से ये कह रहे हैं कि अगर हमारा मसला जो है हल नहीं होता तो हम ये किताबें हैं जो हम अपने साथ बुक्स लाए हैं उसे यहाँ पर हम आग लगा देंगे। जितने भी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें परफेक्ट चैनल, मेरे कैमरा पर्सन अनिल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।